नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 4.36% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 6.24% मतदान मंडी जिले में हुआ है। लाहौल स्पीति में सबसे कम 1.56% मतदान हुआ है। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। पूरे हिमाचल से 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य के करीब 56 लाख मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 महिलाएं और 38 थर्ड जेंडर वोटर हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों के नाम संदेश लिखते हुए ट्वीट किया कि पहले मतदान फिर जलपान। प्रदेशवासी लोकतंत्र के इस पर्व में पूरे उत्साह से भाग लें, भारी संख्या में मतदान करें। आपका एक मत समृद्ध हिमाचल का निर्माण करेगा। कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 1,06,976 वोटर और लाहौल स्पीति में सबसे कम 24,744 में सबसे कम वोटर हैं। कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा 1,625 और लाहौल स्पीति में सबसे कम 92 पोलिंग बूथ है। सभी मतदान केंद्र पोलिंग के लिए तैयार कर दिए गए हैं। 15% पोलिंग पार्टियां और 15% ईवीएम रिवर्स रखी गई हैं, ताकि कहीं ईवीएम के खराब होने पर तत्काल बदला जा सके। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना।